कोई सोचता है कि निरीक्षण करिए या फिर चेकआउट करिए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा पूरा पूरा अधिकार बनता है कि हम अपने हस्बैंड से वो सारी चीजें पूछें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी फैमिली लाइफ स्टाइल। तो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, तो आप लोग इसको फुल वॉच करिएगा, तभी आप सभी लोग को पता चलेगा। और जैसा कि थंबनेल देखें, आप सभी लोग की आर्मी वाइफ की क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम लेट नहीं करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप आर्मी वाइफ हैं तो आपको अपने हस्बैंड के आर्मी नंबर पता होनी चाहिए, और उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड होती है उसकी नंबर पता होनी चाहिए आपको, और आपको CDA अकाउंट के बारे में पता होनी चाहिए, आपको उनके पैन कार्ड के बारे में पता होनी चाहिए कि पैन कार्ड नंबर क्या है, और गाइज आपको CST ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, यानी जो कैंटीन कार्ड का जो अकाउंट होता है वो ज्वाइंट होनी चाहिए, ताकि आप भी लाभ उठा सके उसका। गाइज आपको सैलरी अकाउंट जो होता है, सैलरी अकाउंट नंबर जो होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो सैलरी अकाउंट है वो ज्वाइंट है कि नहीं उसको ज्वाइंट करा लेनी चाहिए। जब अगर आप एक आर्मी वाइफ हैं तो आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उस सर्टिफिकेट जो मेरे सर्टिफिकेट है वो आपके हस्बैंड जहाँ भी ड्यूटी करते हैं वहाँ उसका पार्ट टू ऑर्डर हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो ये मेरे सर्टिफिकेट होता है, कई लोग मतलब कहीं ग्रामीण क्षेत्र से या फिर कहीं से भी बनवा लेते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमें एक अच्छे से कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवानी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो तो यही मेरे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के यहाँ से जो बनती है वही मांगी जाती है। तो ये सारी चीज़ें बात हमको पता होनी चाहिए। और गाइज, आप अगर एक आर्मी वाइफ हैं, AFPP फंड के बारे में पता होना चाहिए, और AGI फंड के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कितनी राशि कट रही है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आप अगर एक सैनिक की पत्नी है तो सैनिक की पूरी जो भी प्रॉपर्टी होती है या फिर कितनी प्रॉपर्टी ले रखी है और इसकी क्या वैल्यू है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। गाइज, आप एक आर्मी वाइफ है तो आपके पास एक डिपेंडेंट कार्ड होना चाहिए, जो कि हस्बैंड के साथ डिपेंडेंट कार्ड बनता है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप अगर डिपेंडेंट कार्ड आपके पास है तो आपको एक एज ए प्रूफ आप कह सकती हैं कि हम एक आर्मी वाइफ हैं, सैनिक की पत्नी है, वो डिपेंडेंट कार्ड से आपको एक प्रूफ भी मिल जाती है। और गाइज, अगर एक आप आर्मी वाइफ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड का अगला जो मालिक होगा, मतलब अगला आई थिंक नेक्स्ट किंग होगा, वो कौन होगा, वहाँ पर आपका नाम मेंशन होना चाहिए, इसकी जानकारी पूर्ण रूप से आपको होना चाहिए। और गाइज, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि जब आपके हस्बैंड की पोस्टिंग अच्छी जगह पे आती है तो वहाँ आपको जानी चाहिए, वहाँ फ्री में क्वार्टर मिलते हैं, तो उसकी लाभ हमें उठानी चाहिए। या फिर आप अगर एज ए घूमने के लिए आप जा रहे हैं, टूर के रूप में आप जा रहे हैं, तो वहाँ गेस्ट हाउस की फैसिलिटी मिलती है, आई थिंक वहाँ कुछ भी ले जाना नहीं होता है, आपको सारी चीज़ सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, तो वहाँ भी जाके हमें इंजॉय करनी चाहिए, वहाँ उस फैसिलिटी को भी लाभ उठानी चाहिए। और आप एक आर्मी वाइफ हैं तो आपको मैं बता दूँ कि आपको मेडिकल की फैसिलिटी आपको फ्री में मिलती है, उसकी भी लाभ उठानी चाहिए, और एक सैनिक के माता पिता को भी मिलती है, उनके साथ साथ बच्चों को भी मिलती है, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि उनके माता पिता और उनके बच्चे और उनकी वाइफ को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो उसकी भी लाभ उठानी चाहिए, और दो बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री में बारहवीं तक की सुविधा मिलती है, तो उसकी भी लाभ उठानी चाहिए। तो गाइज, आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि अगर एक आप आर्मी वाइफ हैं तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। और वैसे गाइज, मैं बता दूं कि जो जो चीजें मेन थी वही चीजें मैं आप सभी लोग को बताई हूँ, क्योंकि मैं और भी सारे बहुत सारे अधिकार हैं अभी जो लेडीज विधवा हो जाती है, या फिर बहुत सारे अभी है मैंने वैसे नहीं बताया, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी। जो हमें मेन लगा है सिर्फ मैं उतना बताई हूँ, अगर ज्यादा क्वायरी होगी तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी बातें चल रही होगी तो आप अपने हस्बैंड से भी राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हस्बैंड से पूछने पर कोई सोचता है कि निरीक्षण करिए या फिर चेकआउट करिए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा पूरा पूरा अधिकार बनता है कि हम अपने हस्बैंड से वो सारी चीजें पूछे और पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आई होप हमारी वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी, तो एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।